नमस्कार, आज मैं कशिश भाटिया आप सबके सामने संदर्शन सिंह जी द्वारा लिखित एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्तों रूह की आवाज सुनो। इस कविता में महाराज जी ने हमारे आसपास के माहौल का अवलोकन करने के पश्चात यह आह्वान किया है कि ए इंसान, तेरी मुसीबतें, तेरी समस्याएं वे तेरी अनुशासनहीनता का कारण है कि तू अपने जड़ शरीर में इतना खो गया है कि तू अपनी आत्मा को भूल गया है। अपनी आत्मा को देख और अपने रूह की आवाज को सुन। दोस्तों रूह की आवाज सुन। रूह ने दर्द के आलम में पुकारा है तुम्हें। रूह ने दर्द के आलम में पुकारा है तुम्हें। रूह इंसान की दुख दर्द से घबराई है। रूह इंसान की दुख दर्द से घबराई है। हर तरफ रंजो मुसीबत की घटा छाई है। हर तरफ रंजो मुसीबत की घटा छाई है। आंधियां चलती हैं, आंधियां चलती हैं, वे शम्मा बुझाने के लिए जल रही थी जो हमें राह दिखाने के लिए। जल रही थी जो हमें राह दिखाने के लिए। महावे पूर्वज, महावे पूर्वज है सब चांद सितारों की तरफ। कोई तकता नहीं हम दर्द के मारों की तरफ। कोई तकता नहीं हम दर्द के मारों की तरफ। जुस्तजू चांद सितारों की जारी है मगर, जुस्तजू चांद सितारों की जारी है मगर, आज इंसाफ को नहीं है दिले इंसा की खबर। आज इंसाफ को नहीं है दिले इंसा की खबर। एटमी दौर है, एटमी दौर है, शोले है फिजाओं में भरे। कैसे इंसान मोहब्बत के चमन तक पहुंचे। कैसे इंसान मोहब्बत के चमन तक पहुंचे। आज संसार में हर चीज गरा है यारो। आज संसार में हर चीज गरा है यारो। और मोहब्बत से न पूछो कि वो कहाँ है यारो। और मोहब्बत से न पूछो कि वो कहाँ है यारो। यह गर्म हवा जमी की यह लड़ाई ठंडी। यह गर्म हवा जमी की यह लड़ाई ठंडी। खाक में उड़ते बाजार यह सुनी मंडी। खाक में उड़ते बाजार यह सुनी मंडी। दोस्तों रूह की आवाज सुन। रूह ने दर्द के आलम में पुकारा है तुम्हें। धन्यवाद।